अक्सर राशियों की यानी ए बी सी डी, या हम मान लें एक्स और वाई, क्या मान लें, तो यहां आपको दो इक्वेशन मिलने वाले हैं। जैसे हमने आपसे कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट आराम से सुने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो बात है आपको हर जगह काम में आना है और सबसे ज्यादा इस लेसन में काम में आना है। जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि x धन वाई बराबर, कह दिया मान के चलिए 12, क्या कह दिया, अरे क्लियर है। अब यहां पर एक बात देखें, मेरा बहुत अच्छे से देखें, ये x है ये y है, x और y आपस में जुड़ते नहीं है, क्योंकि जुड़ने का एक नियम है, x के साथ x ही जुड़ता है, y के साथ और संख्या के साथ, ये आप अच्छे से जानते हैं। ओके अच्छा, अगर हम इसे ट्रांसफर करने का प्रयास भी करें कि y को उस तरफ ले जाए, तो 12 और y आपस में ना जुड़ेंगे ना। ओके अगर हम ये प्रयास करेंगे x को ले जाए, तो ऐसे ही x के साथ होगा, ना x 12 के साथ जुड़ेगा ना घटेगा। ओके यानी हमारा संख्याओं का ट्रांसफर करने का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। ओके यहां ट्रांसफर करने का कोई मीनिंग। ओके तब ऐसे सवालों में क्या होता है, वो हमें एक समीकरण और देता है, जो एक दूसरी शर्त, हमेशा याद रखिएगा, एक बात से एक समीकरण बनता है, एक सेंटेंस से एक समीकरण का निर्माण होता है। ओके अब सवाल आपसे, फिर एक बात कहेगा, एक शर्त कहेगा, एक सेंटेंस कहेगा, और मान के चलिए उसने कह दिया एक्स ऋण वाई बराबर, मान के चलते हैं कह दिया 4। हमने भी ये मन से बनाकर लिखा, इसलिए हम कहीं एडिट भी कर सकते हैं इसको। ओके अब क्या होता है, इस पहले वाले को हम नंबर दे देते हैं 1 और इस दूसरे वाले को दे देते हैं 2। अच्छा ये जब 1 और 2 हमारे पास होता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर हम एक किसी को लेफ्ट कर दें, एक किसी को, या तो हम एक्स को लेफ्ट कर दें तो केवल क्या बचेगा, ओके और अगर हम वाई को लेफ्ट कर दें तो एक्स बचेगा, सही है, कोई एक लेफ्ट हो जाएगा, कोई एक बचेगा, जो बचेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने एक्स को खत्म कर दिया, अच्छा गलत है, हाथ से हम किसी को खत्म कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कि अब एक्स को काट दें बिना काम का काट दें, नहीं, आगे उसे देखना होगा। जैसे मान के चलिए यहां पर यदि हम देखें, तो कंडीशन ये बन रही है कि हम वाई को लॉस कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कि एक जगह वाई धन का है और एक जगह वाई, हाँ है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक या तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें, और दूसरा होता है या तो हम दोनों समीकरण को, हाँ है ना, या तो जोड़ दें या तो पक्का। अच्छा जोड़ने पर समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके और एक्स से एक्स जुड़ जाता है वाई से, लेकिन यदि आपको आवश्यकता हुई कि हमें घटाना है, क्या करना है, तो घटाने की एक शर्त होती है कि नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी जो धन का है वो, जो ऋण का है वो, जो धन का है वो, तो ऐसा हम आवश्यकता पड़ने पर, जैसे मान के चले ये एक्स भी धन का वाई भी धन का, अब ना एक्स कट रहा ना, हाँ है ना, तो अब क्या करें, तो फिर हमें ये करना पड़ता है कि हम लिख देते हैं घटाने पर। आप कहोगे सर घटाने पर क्यों लिख देते हैं, हम इसलिए लिख देते हैं घटाने पर ताकि नीचे की संख्याओं के चिन्ह क्या हो जाए, तो एक अब भले सेम थे, अगर आप घटाने पर लोगे तो यहां पर चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल, जैसे यहां देखो एक्स धन का हो गया, एक्स ऋण का हो गया, ये भी एक बार, ये भी, तो एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, कोई डाउट है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक जोड़ना या घटाना, ये आपकी मर्जी पर निर्भर है, यानी आपकी डिमांड पर निर्भर है कि आपको आवश्यकता जोड़ने की है या आपको आवश्यकता, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। ओके तो जैसे यहां पर देखें, हमने जोड़ने पर लिख लिया, तो जोड़ने पर हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही हमारे पास वाई की घटने की कंडीशन थी, हमने कह दिया ये धन के एक्स और धन के वाई और ऋण के वाई,
अब ये धन का एक्स कुल मिला दो बराबर 12 चार हाँ या ना, हमें वैल्यू पाई की चाहिए, ये दो कहाँ जाएगा, तो एक्स बराबर 8, एक्स बराबर, जब एक्स बराबर 8 आ गया तो आप किसी भी समीकरण चाहे एक हो चाहे आप दो में से किसी में भी एक में वैल्यू रख दो तो आपका मान आ जाएगा। आपने यहाँ 8 रख दिया, देखो एक्स बराबर 8, तो 8 एक्स रख दिया तो वाई बराबर 4, वाई बराबर नहीं बनेगा, क्लियर है। तो आप जोड़ना भी ले सकते हैं, आप घटाना। अब यहां देखें, जैसे एक मन से हम सवाल बना करके लिख रहे हैं, अगर कंडीशन इस तरीके से आ जाए, देखें आप, हमने कहा 2x धन y बराबर मान के चलिए 15, मन से बना कर लिख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कहीं भी एडिट कर सकता हूं, और अगर यहां लिख दें 3x धन y बराबर 18, सुन रहे आप, अरे क्लियर है। अब ये समीकरण एक है, ये समीकरण, अच्छा यहां पर आप बताइए, आप एक्स को काट सकते हैं या वाई को, हम वाई को खत्म कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वाई इक्वल है, एक ऊपर है और एक, लेकिन अभी भी दिक्कत है, ऊपर भी धन का है वो, आवाज नहीं आ रही है, ऊपर भी धन का है और नीचे भी, जब दो समान चिन्ह हो यानी दोनों धन के हो या दोनों ऋण के हो तो खत्म होने की गुंजाइश, तो अब हम ले लेते हैं काय पर, हमें आवाज नहीं आ रही, तो हमें घटाने पर क्या फायदा मिलता है, हम कहते हैं ये धन का धास हो, ये धन का धास हो, ये धन का धास हो, तो ये धन के और ऋण के भाई खत्म हो गए, ये आ गया ऋण का एक्स, क्या गया 2x 3x 3x में से 2 गए, एक बचा माइनस का, हाँ ना, और बराबर यहां पर बचे 3, लेकिन क्या गए 3 स्त्रप ले आओ, सॉरी 1 स्त्रप ले आओ, 3 स्त्रप ले आओ, तो 3 धन का हो गया और x भी, तो x बराबर, कोई डाउट, कोई डाउट, तो यहां हमारे पास y कटने के लिए था। और एक सवाल लिखते हैं हम, और एक सवाल हम लिख करके देखते हैं, अगर हम सवाल को देखें, देख कट तो नहीं हो गया, देखें अगर हम देखें 2x धन 5y बराबर कुछ भी 28, यहां लिख दें 2x ऋण 3y बराबर कुछ भी, अब बताइए कटने की गुंजाइश क्या है, हाँ या ना, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो बराबर है, पक्का, लेकिन अभी दोनों कह गए हैं एक को ऋण करना जरूरी है, हाँ या ना, तो हम क्या करें, जोड़ने पर ले या घटाने पर, आवाज नहीं आ रही है, ओके चलिए ये भी काम भी हमारा बन गया। अब देखें हम एक ऐसा सवाल लेते हैं, जैसे हमने कह दिया आपसे, यहां देखें हमने आपसे कह दिया कि 2x धन 3y बराबर कुछ भी 12 18, 3x धन 2y बराबर 18, हाँ या ना, ये समीकरण क्या है, ये समीकरण क्या है, अच्छा ऐसे समीकरण में आप एक बात देखेंगे कि ना तो आप x को काट सकते हैं ना ही आप y, सही है बेटा, बहुत जोरदार तरीके से ध्यान दीजिएगा, ओके yes, okay? yes, हम और आप मिलकर के 5-5 घंटे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि yes, सुन रहा हो ना, yes, लगभग 2.5 घंटे सुबह, लगभग 2.5 घंटे शाम, yes, मेहनत बेकार नहीं आना चाहिए, ओके yes, okay? yes, और यही माहौल आपको बना के रखना है, yes, तो आप ये बताइए कि क्या हम x काट सकते हैं, yes, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू बराबर, yes, क्या अभी हम y को काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी वाई की वैल्यू बराबर, हाँ अब जब बराबर नहीं है तो आपके पास एक उपाय है बराबर करने का, यदि आप चाहें 3 का गुणा ऊपर कर लें और 2 का गुणा, हाँ या ना, तो आपने x के अंकों को उठाया और पूरे में गुणा कर दिया यानी 3 यानी 2, हाँ या ना, इससे क्या होगा, इससे इसका गुणा इसमें,
इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, है ना। यानी अगर हम लिख करके देखें तो हम कहेंगे तीन नूनी छह एक्स धन तीन त्रिका नौ वाई बराबर भारत दिया, दो से किया छह एक्स धन सॉरी चार वाई बराबर, हाँ है ना। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से यह हुआ कि ये एक्स और एक्स का हो गए, हमारे पास एक उपाय और था, हो सकता था हम एक्स बराबर ना करते, हम वाई के अंक उठाते ऊपर नीचे गुणा कर देते, ये हमारी मर्जी पर था कि हम एक्स के गुणा अल्टरनेटली गुणा करें या वाई का अल्टरनेटली, हाँ या ना। तो हमने अभी मूड था हमारा कि एक्स हो सकता है किसका कर देते, अच्छा इससे क्या होता अगर हम एक्स के अंकों को उठाकर गुणा करते तो हमारा वैल्यूशन एक्स का बराबर हो जाता, अगर हम वाई का गुणा करते तो हमारा वैल्यूशन वाई का बराबर हो जाता, अरे क्लियर है। तो एक्स बराबर हो जाता तो हम एक्स को काट देते, वाई बराबर हो जाता तो हम, तो एक्स कट जाता तो वाई बच जाता, वाई कट जाता तो, और उसकी वैल्यू आ जाती, और उसकी वैल्यू हम यहां कहीं रख देते। कितने लोग कहते हैं ये बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है अभी हमने लेसन चालू नहीं किया, चलिए अब हम लेसन चालू करते हैं, और लेसन अब हमारा है आयु का, ठीक है। ये लेसन सबसे सरल है पूरी गणित में, पूरी गणित में सबसे सरल क्यों है, देखें यहां पर आपको एक काम करना है। अच्छा एक बात हो, जितने सारे बच्चे शाम के बोझ के बैठे हैं उन्हें औसत नहीं पढ़ा, थोड़ा सा औसत आप इतना जान लीजिए कि अगर मान के चलिए हमारे पास भैया कोई ज्यादा हिलने डुलने का नहीं, सब बढ़िया अनुशासन में बैठो, ठीक है, सारा फोकस आप सामने, ये देखो मान के चलिए तीन लोग हैं, हम शाम के बच्चों से बात कर रहे हैं, तीन लोग हैं और एक की आयु 10 साल है, एक की आयु 5 साल है और एक की आयु 15 साल है, क्या आप जानते हैं सबकी आयु कितनी हो गई, 30 साल, 10 और 5 15 और 15 30, हाँ है ना। अगर हम 30 में 5 का भाग, सॉरी 1 2 3 3 का भाग दे दें तो आयु कितनी आ गई, यही कहलाता है औसत। पहले हम मटेरियल का टोटल करें और टोटल को जितने लोग हैं सब में बराबर बराबर बांट दें, सब में, तो ये कहलाता है औसत। तो औसत में हमेशा टोटल मटेरियल बटे जितने लोग हैं उनका भाग दिया जाता है। आपको हम औसत का अध्ययन कराएंगे शाम वाले बोझ के, लेकिन अभी हाल आप इतना समझ लें। अब अगर इसे उल्टा कहा जाए कि तीन लोग हैं और तीनों की औसत आयु 10 है, अब औसत आयु माने हर आदमी का हिस्सा, हर आदमी का, यानी पहले की आयु भी 10 साल है, दूसरे की आयु भी और तीसरे की आयु भी, जब भी वर्ड आता है औसत, औसत का मतलब है हर आदमी का, सुन रहे हो। तो अगर कोई कह दे तीन आदमी का औसत 10, तीन आदमी का औसत, तो टोटल रहा होगा 30, समझ में आ रही बात, कोई डाउट है, अब लेसन शुरू करें, ओके अब बढ़िया रिलैक्स हो जाइए। अभी तो हमने वो चीजें आपको बताई जो आप यूज करते हैं, ओके अब एक मिनट हम पानी पी करके आ रहे हैं, अब एक्चुअली हम लेसन के प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, इतना याद रखना एक भी सवाल कठिन नहीं है, जैसा जैसा बोला जाए, जैसा जैसा वैसा वैसा फाइट करना है। इस लेसन में हमने कई सारे नए सवाल डाले हैं जो आपके कई एग्जाम्स में आए थे, हम एक मिनट में आ रहे हैं, जस्ट एक मिनट लगेगा हमें बस, ठीक बढ़िया, जब तक आप रिलैक्स हो जाए और हम लेसन पर काम शुरू करते हैं। पेन कॉपी बुक आपके सामने,
चलो ये बीच का एक मिनट का अंतर केवल हमने आपको इसलिए दिया ताकि आपको लगे कि हाँ अब अपना लेसन शुरू हो रहा है। एक थकान नहीं आनी चाहिए, एक बीच में एक डिवाइड लाइन होना चाहिए। अब एक्चुअली हम सवाल पढ़ रहे हैं और जैसा जैसा हम सवाल कहते जाएं हमें वैसा पढ़ना है। एक सवाल करने के तरीके कई हो सकते हैं लेकिन हमें तरीका वो चुनना है जो सबसे सरल रास्ता है। जैसे यहां करें चार भाइयों की आयु का योग 56 है, चार भाइयों की आयु का योग नाम मान रहे हैं ए बी सी डी, क्या नाम है? ओके, ये रहे चार भाई, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी, चारों को जोड़ने दो है ना। अब इनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 साल का है, यानी जैसे मैं घरों में होता बन करके हमारे बहन भाई हम में 2 साल का अंतर है, लगातार 3 साल का अंतर है, बोलते ना मतलब ऐसे ही एक। अब जैसे मान के चलो हम सबसे छोटे भाई को मान लेंगे एक साल का है, कितने साल का है? अब आप अंतर को ध्यान में मत रखो, अब ये ध्यान रखो कि अगला भाई से 4 साल, अगला भाई से 4 साल, तो क्या हम इसे 4 साल बड़ा कर लें? अब इसमें भी 4 बड़ा कर दें, तो क्या हम इसे 1+8 कह दें? क्या हम इसे भी 4 वर्ष बड़ा कर दें? तो क्या हम इसे 1+12 कर दें? तो ये हो गया सबसे छोटी भाई की आयु, ये उससे बड़े, ये उससे बड़े हो रही है सबसे, हाँ ना। अब गणित कह रही है कि अगर हम सबको जोड़ दें, अगर हम सबको, तो 56 साल आना कितने साल? 1, 2, 3, 4, 4 x यही हो गए 12, 8, 20, 4। अरे क्लियर है? बराबर कितने? अभी एक वाली संख्या को यही छोड़ दे तो ये 2400 ले जाए, तो 4 x बराबर बोलो 32। वैल्यू कहनी चाहिए, ये 4 नीचे जाएगा, 4 8 x बराबर 8, x बराबर, तो क्या हम इसे 8 कह दें? 8 और 4, 8 4 12, 8 और 8, 8 और 12, हाँ या ना। सबसे बड़े भाई की आयु नहीं बनेगा। अब देखें बहुत सरल सवाल, सारा अध्याय सरल है, अब कोई अध्याय कठिन। अमन और बलराम की वर्तमान आयु का योग 22 है, यदि अमन बलराम से, अमन देखना जरा, ये अमन और ये रहा बलराम, ए फोर अमन, बी फोर बलराम, ओके। तो यहां हमने कहा कि दोनों की आयु का योग 22 है और आप कह रहे अमन बलराम से 4 वर्ष, 4 वर्ष, तो हम अमन को कह दे रहे 4 वर्ष बड़ा, तो इसे मान लो एक्स और इसे मान लो x+4, सवाल खत्म हो गया। और दोनों की आयु का योग कितना है? सुनाई नहीं दिया? तो x+4 = 2x और 4 कितने? 18, 2x = 18, x = 9 और 13, कितने लोग कहते हैं बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। सुरेश और गणेश मिलकर इस समय 28 के हैं, सुना हो? कौन कौन? ये रहा सुरेश और ये रहा गणेश, दोनों 28 के हैं। यदि गणेश सुरेश से 6 वर्ष, नहीं आ रही बात में पक्का, यदि सुरेश गणेश से, गणेश को मानो एक्स और ये हो गए x-6, पक्का ये जो है वो 6 वर्ष, ये 6 वर्ष छोटा है, अब नहीं बनेगा। तो अब हम कहेंगे कि x-6 + x, 2x-6 = 28, सो 2x + 6 हो गए ना, कितने हो गए? 34, 2x = 34, तो x = 17, पक्का कितने लोग कहते हैं बनेगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। जब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है
तो योग 40 वर्ष आता है, 5 साल बाद उनकी आयु कितनी, बिल्कुल बच्चों जैसा खेल है। आज ये रहे पिताजी, पिताजी को हमेशा माना करो एक्स, क्योंकि एक्स हमेशा बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। हाँ ना, हमने ये मान लिया पुत्र, और अगर आप दोनों को जोड़ने दो 40 साल के हैं, 5 साल बाद ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 5 साल, टोटल कितने से बढ़ जाएगा, 10 से, 5 से की 10 से। भैया जो गवार लोग जो हैं, गवार लोग जो कह रहे 5 साल से, आप लोग सोचो दो मिनट के लिए, मान के चलो पिताजी 30 साल के और बच्चा 10 साल का, 30 और 10 40, 5 साल बाद जो 35 के, 5 साल बाद जो 15, कितने हो गए 50। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 5 साल बाद उनकी कुल आयु कितनी होगी, नहीं बनेगा। चलिए, 4 भाइयों की आयु का योग, ये सवाल गलत है यार, सॉरी सवाल गलत है, ये मिस्टाइप है, छोड़ दीजिए। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। सुन लीजिए आप, हम पहले आपको सवाल करना सिखाएंगे कई तरीके से, ताकि जब भी कभी आप एग्जाम में बैठे हो, किसी भी तरीके से आप इस सवाल को कर सके। देखो जरा, पहला तरीका, आपने कहा पहली शर्त, आप पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु 46 साल है, कितने साल है, पिताजी मान लो एक्स के, पुत्र मान लो वाई के, तो ये हो गए कितने, 46। पक्का ये, आज आज पिताजी एक्स के, आज बेटा वाई के, आज की कंडीशन है, कभी है ओके। दो चार सवाल बहुत धीमे करना पड़ेंगे अभी, ओके। अब आपने कहा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, पहली बात तो 5 साल पहले पहुंचो, सो पिताजी रहे होंगे एक्स ऋण 5 और पुत्र रहा होगा वाई ऋण 5, नहीं रहा होगा। ये पिताजी हैं, ये पुत्र हैं, कह रहे 5 साल पहले पिताजी पुत्र का 11 गुना थे, पुत्र का 11 गुना, क्या कहा, अरे क्लियर है, नहीं आ रही बात सुन, अरे है, अरे क्लियर है, पुत्र के 11 गुना थे, कब, 5 साल, 5 साल, अरे क्लियर है। देखना अब, एक्स ऋण 5, 11 वाई ऋण 55, एक्स 11 वाई सरब ले आओ, क्योंकि एबीसीडी को एक तरफ, पक्का, तो क्या हम इसे ऋण के 11 वाई कह दें, ये ऋण के 5 उस तरफ गए, सो ऋण के हो गए 50। समीकरण, अब ये काम अपन कर चुके, इसको हटा दे रहे और इसके ऊपर लिख दे रहे हैं ये वाला समीकरण, एक्स धन वाई बराबर 46, पक्का, हाँ या ना। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक ये हो गया पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण, हमारे पास कौन सी वैल्यू खत्म हो सकती है, हाँ या ना, हमारे पास एक्स की वैल्यू खत्म हो सकती है। अब ये बताइए, जोड़ने पर या घटाने पर, क्या, क्योंकि जोड़ने पर तो दोनों इक्वल हैं, तो हम घटाने पर कहते हैं, तो ये ऋण का हो गया, ये धन का हो गया, ये धन का हो गया, सही है। अब ये खत्म हो गए, 11 और 1 12 वाई बराबर 40, तो वाई बराबर 8। अब आप कहोगे ये 8 कैसे, 12 गुणा में थे, कहां में चले गए, 12 थे, पक्का। अब किसी भी समीकरण, इसमें रख दो मान, रख दें,
अरे रख दे, रखो एक्स धन आठ तो एक्स बराबर अड़तीस। मन पिताजी कहलाए अड़तीस साल के और पुत्र कहलाए कितने के? आठ साल के। हाँ या ना? लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। आपने कहा पांच वर्ष बाद पुत्र की आयु आठ और धन पांच तेरह, कितना? फिर से एक बार, अभी आज पहला दिन है, हम पहले तो आपको भाषा पढ़ना सिखाएंगे, क्योंकि इस बार हम और जितने पुराने स्टूडेंट भी कुछ हमारे बैठे हैं, हमने जो भी आपको गणित सिखाई पहले, हम आपको लास्ट लास्ट तक प्रायिकता तक दोबारा ले चलेंगे। हमने प्रायिकता पुराने बच्चों को पढ़ा दी थी, क्रमचय संचय पढ़ा दिया था, मिश्रण पढ़ा दिया था, लेकिन हमने सोच लिया कि हमने नहीं पढ़ाया, हम पहली बार से और नया कुछ लेकर चलना है। सुन रहे हो? अब देखें जरा हमने क्या किया एक्चुअली, देखें जरा फिर से देखें आप इस सवाल को। आज जल्दबाजी नहीं, आज पहला दिन, आज एक्चुअली हमें बेस तैयार करना है। यही काम हुआ है, अगर हमने सेपरेट अलग अलग बैच कर दिए तो हमारे ऊपर दबाव कम हो गया, अब हमारे ऊपर गणित पढ़ने के लिए सफिशियंट टाइम है। सफिशियंट टाइम है तो हम नए नए प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हाँ ना? देखें आप, हमने अभी क्या किया, आपने कहा एक्स धन वाई बराबर चालीस, आपने कहा पांच साल पहले, हमने कहा एक्स ऋण पांच, हमने कहा वाई ऋण पांच, तो वो पुत्र की आयु का ग्यारह गुना, बस इतना किया हमने। हाँ या ना? और हमने लगा दी विलोपन विधि। क्या लगा दी? अब देखें जरा और क्या कर सकते थे हम, अगर भाषा के आधार पर करते, हमें नहीं लगाना विलोपन विधि। देखना, आपने कहा पांच साल पहले पिताजी पुत्र का ग्यारह गुना थे, पुत्र मान लो एक्स, तो पिताजी रहे होंगे ग्यारह एक्स, लेकिन कब? पांच साल पहले। अब आओ आज पर, पांच साल जी बड़े कर दो, ग्यारह एक्स धन पांच, तो पांच साल जे बड़े कर दो एक धन पांच, जो पुत्र हैं जो पिताजी हैं। हाँ है ना? और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो चालीस आना। हाँ है ना? ग्यारह और एक बारह, बारह एक्स बराबर। हाँ है ना? एक्स बराबर। अब आप कहोगे, आपके मन में बात आ रही होगी कि सर अभी तो अठारह था, नौ आ रहा था, तीन आ गए। अरे भैया जी, तीन इसलिए आ गए क्योंकि ये पांच साल पहले हैं। पांच साल पहले पुत्र कितने का? तीन साल का। तो आज पुत्र कितने का? आठ साल का। जब आज आठ साल का, तो आज से पांच साल बाद तेरह साल का। नहीं आ रही वासी, कोई विलोपन नहीं लगाई हमने। विलोपन हमने विलोपन नहीं लगाई, हमने तो जैसा आपने कहा वैसा हमने किया है। बस यही गलत आपको सीखना है। कभी कभार ऐसा भी होता है बेटा कि आपके पास एग्जाम में समय कम पड़ जाता है, सवाल बन रहा है, समय कम है, कई बार समय है कागज नहीं है हल करने। कई प्रश्न आपने कई पेपर दिए होंगे, कई बार ऐसे ऐसे टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, उनसे कच्चा कागज मांगो वो नहीं देंगे। आप जो कच्चा कागज नहीं देंगे, आपको पीछे हल करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है कि प्राइवेट लोगों की भी ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी वो एग्जाम पास करते नहीं लेकिन ड्यूटी लग जाती है। अब वो क्या जाने कि आखिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है क्या। अब ड्यूटी लगी से उस दिन के लिए तो बन जाते हैं बब्बर से, तो सब कुछ जय है, लेकिन भुगतना पड़ता, स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कई बार हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे पास हर तरीके से हमारा बस तरीका होना चाहिए। अब देखो जरा सवाल, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु छप्पन है, चार वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी रह जाएगी। अब देखना जरा, एक विलोपन विधि तो हमारे पास है ही, एक विलोपन विधि हमारे पास क्या है? हमने कहा पहली शर्त, पिताजी मानो एक्स के, पिताजी कितने के? तो पुत्र हमेशा कितने के? पक्का? अरे क्लियर है?
नहीं आ रही बात सुन, आ रही हो? तो हमने कहा दोनों को जोड़ दो 156 पक्का। अब हमने कहा 4 वर्ष बाद यानी 1 × 4 है ना, और हमने कहा 4 वर्ष बाद यानी वाई धन पक्का। अरे क्लियर है? 1 × 4 और अब कहा पुत्र की आयु, ये पिताजी है ये पुत्र है, इनकी आयु का 3 गुना, इनकी आयु का 3 गुना। तो क्या हम 1 × 4 बराबर 3 / 12 हाँ या ना? तो क्या यहां पर हम ऐसा कह दें कि एक्स ऋण के 3 y बराबर ये 4 उस तरफ गए सो कितने, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट है? तो अब देखें वो हो गया समीकरण 1, ये हो गया 2, आपको 1 और 2 बार बार कहने की आवश्यकता। अच्छा बताइए कट कौन सकता है, क्योंकि क्वांटिटी बराबर है, एक्स की क्वांटिटी बराबर है जोड़ने पर या घटाने पर, बोले यार। तो क्या हम इसे माइनस, इसे प्लस और इसे माइनस कह दें? और अब आपसे बन जाएगा ये कट गए ये 3 और 1 = 4 y, हाँ या ना? 56 और 8 = 64, तो y बराबर 16, y बराबर सॉरी मुझे बोलो मत यार इतने खतरनाक हमला। चलो यहां देखो जरा ये प्लस का था, ये घट गए कितने बचे, हाँ या ना? तो y बराबर 12, वाई बराबर 12, तो यहां 12 रख दो, ये 12 उस तरफ चले गए क्या, तो एक्स बराबर 44, पिताजी 44 साल के और पुत्र 12 साल के, उनकी आयु क्रमशः, अब देखो एक मिनट, क्रमशः पहले पिता की चर्चा हुई तो आना चाहिए 44, फिर आना चाहिए 12, ये सवाल की रोलिंग है कि चर्चा जिसकी पहले हुई उसकी रोलू पहले, जिसकी चर्चा बाद में आई बाद में, भले आपने कुछ भी माना हो नहीं आ रही वासों में, अब आपसे बनेगा या नहीं बनेगा पक्का। अब 2 मिनट के लिए सोचिए इस सवाल को, बस 1-2 सवाल हम डबल विधि से कराएंगे बस, अब सोचिए आपको इसको विलोपन विधि से नहीं करना है, ठीक है? अब आपने कहा आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद पिता पुत्र से 3 गुना, ठीक है? पुत्र मान लो एक्स, पिताजी हो गए 3x, लेकिन भैया ये कब, 4 साल बाद, 4 साल बाद, एक बार फिर बोलो मेरे साथ, 4 साल बाद, ओके? तो आज नहीं आ रही बात समझ में, ये तो 4 साल बाद का है, आज की बात करें तो 3x ऋण 4 और x ऋण 4 पक्का। आज ये हो गए पिताजी, आज ये हो गए बेटा, और आज यदि जोड़ दें तो 56 साल, हाँ या ना? इतना याद रखना x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 साल बाद की, क्योंकि हमने मानी ही 4 साल बाद है, नहीं मानी है? अरे क्लियर है? तो आप देखें 3 और 1 = 4x, ऋण के 8 उस तरफ चले गए कितने हो गए 48, एक्स बराबर अब 64 हो गए, चलो करो 16 हो गए, एक्स बराबर 16, लेकिन कब 16, तो आज 12, वही आंसर आ गया, वही आंसर आ गया। हमने ग्लोबल विधि तो नहीं लगाई, हमारा मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि हर सवाल में विलोपन विधि से ही हल हो, हाँ या ना? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, फिर वही बात विलोपन से करना हो तो x / y, x हमेशा पिताजी बराबर 60
और अब तुम कह रहे हो छह वर्ष पहले एक्स ऋण छ वाई ऋण छ और इनकी आयु पांच गुनी थी। नहीं बनेगा, बनेगा चलो करते हैं। हमने कहा कितना आएगा एक्स ऋण छ बराबर पांच वाई ऋण छ, हाँ है ना, ये इस तरफ आ गए। सो एक्स ऋण पांच वाई बराबर धन के छ सो ऋण के चौबीस, पक्का। सो एक्स ऋण के पांच वाई बराबर ऋण के चौबीस, पक्का। अब बताओ क्या कर सकता है, कर सकता है जोड़ने पर या घटाने पर, आवाज नहीं आ रही। घटाने पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस खत्म छह और जो हो गए चौरासी, हाँ या ना, नहीं बनेगा। चलो अब ये करते रहना आप, एक्स का मान आएगा आप पहले समीकरण में रखोगे, ये बनेगा। अगला सवाल, सोहन की उम्र मोहन की उम्र की दुगनी है यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष, देखना जरा ये सोहन ये मोहन, सोहन की उम्र मोहन की दुगनी है, अब मोहन को मान लो एक्स तो इसको कह दो दो, पक्का। दोनों को जोड़ दें तो 24, ये सड़ा सवाल था, ईमानदारी बताइए सड़ा सवाल था या नहीं था, ओके। अगला सवाल लेते हैं, पिता की उम्र बेटे की उम्र की सात गुनी है, अब देखना कैसे हल करेंगे जरा, बिना बस कहकर वो शांत हो गए। अब देखो जरा बिल्कुल वही बात, अगर आप विलोपन में अच्छे माहिर हो जाएं तो आप विलोपन विधि लगाइए। एक सवाल आयु का आता ही है, देखिए आप, आपने कहा ये पिताजी ये बेटा और आपने कहा पिता की उम्र पुत्र की आयु की सात गुनी है, है? तो क्या हम ऐसा कह दें एक्स ऋण सात वाई बराबर जीरो, पक्षांतर में हमेशा जीरो बचता है और त्रियक गुणा में हमेशा एक बचता है, क्या कहा हमने? अब यहां पर ये आ गए तो जीरो बचो। अब आप कह रहे हो चार साल बाद, चार साल बाद एक्स धन चार वाई धन चार इनकी आयु का योग 56 साल है, कितना है एक्स धन वाई धन के आठ ऋण के आठ बोलो 48, बस एक्स धन वाई बराबर 48 समीकरण दो। अब बताओ घटाने पर या जोड़ने पर, घटाने पर, अगर घटाएंगे तो नीचे की संख्या को चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हम इसे माइनस इसे माइनस इसे कह दें खत्म ऋण के आठ वाई ऋण के 48, पक्का। ये ऋण के आठ कहां चले गए, अब ये कभी मत कहना अनपढ़ों जैसा कि ऋण से ऋण कट गए, एक्चुअली ऋण वाला निशान कहां जाता है ऊपर, कहां जाता है तो ऋण का गुणा ऋण से हो जाता है तो फाइनली आ जाता है धन आठ एकम आठ आठ संग अड़तालीस एक्स सॉरी वाई बराबर छ, वाई बराबर सुनाई नहीं दिया, वाई बराबर यहां आ गया छ। अब एक काम करो यहां पर वाई बराबर छ रख लो, सो ये हो गए छह सात बयालीस ऋण के बयालीस उस तरफ गए सो धन के बयालीस सो एक्स बराबर बयालीस। पूछा क्या पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र तो पहले ही आ गई कितना, हाँ या ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सारे लोग सामने देखे, संगीता और उसकी पुत्र की औसत, पुत्री की औसत आयु 16, फिर वही बात औसत आयु या ना 16 16, औसत माने हर आदमी की आयु 16, दो लोग हैं दो लोगों की औसत आयु 16 एक्चुअली 32, यानी अगर दोनों का टोटल करें तो, हाँ या ना,
इनकी आयु का ये संगीता, ये उसकी पुत्री और इनकी आयु का अनुपात 7:1 है। कितना है? आवाज नहीं आ रही है। अनुपात में हम क्या मानते हैं? तो क्या हम इसे 7x मान लें? क्या हम इसे 1x मान लें? अगर हम दोनों को जोड़ लें तो 32, 16 नहीं 32 आना चाहिए। 8x = 32, x = 4, 7×6=28, 4×1=4। संगीता की आयु 28 साल। नहीं बनेगा। अगला सवाल, चलिए कितने सवाल हो गए अपने? 11 सवाल हो गए। अच्छा क्लियर, फिर मरियल आवाज 11 बड़ी आवाज क्यों बोल रहे आप? कितने सवाल हो गए? तड़की आवाज। देखो बेटा, हम बार बार कह रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, 5 घंटे कर रहे हैं, बस आप मेहनत हमसे कैसे मेहनत करवाना है ये तरीका आपके पास है। आपको माहौल बनाना है बढ़िया, हम आपके लिए मेहनत करने तैयार हैं। ओके तो क्या हम इन 11 सवालों में कोई ट्रिक तो नहीं लगाई? हमने कोई एक अजीब तरीका तो नहीं बताया? पूरा अध्याय निकल जाएगा, एक भी ट्रिक हम इस्तेमाल बनेगा नहीं बनेगा? चलिए अगला सवाल देखते हैं, लेकिन इसके पहले आप हमें परमिशन देंगे, हम एक कप चाय पी करके आ रहे हैं, फिर आप तो बात कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत गलत बात है, अपनी सीट में छोड़े आप। अभी 1 घंटा आपको बैठे हुए नहीं हुआ है। इस तरीके से यदि हम आपको 5-5, 7-7 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो मतलब क्या है डबल डबल क्लास आने का? चलिए, इन हेडिंगों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, जैसे लिखा अंतर पर आधारित। हम दो आयु वाले अध्याय में आपसे एक बात कही है कि आपको तो बेस बनाना है भाषा। अभी आप देखिए, इस बार हम आपको समय, कार, रेलगाड़ी, ये सारे सवाल कराएंगे, लेकिन सारे के सारे सवाल केवल और केवल लैंग्वेज पर आधारित। देखें जरा बहुत बढ़िया तरीके से, अब आपका पेन कॉपी बिल्कुल तैयार, क्योंकि सवाल आप करने वाले हैं। शालू और मीना की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अंतर कितने का है? डरने का नहीं, वहां लिखा था योग इतना है और यहां लिखा है, हाँ या ना? बस लेकिन इस सवाल में एक बात पता लगाना है, जब पिता और पुत्र में हमें पता रहता है कि पिता बड़ा है, लेकिन अगर दो सहेलियों की बात हो रही, दो दोस्तों की बात हो रही है, तो हमें इस सवाल पढ़कर के पहले पता लगाना है कि आखिर इन दोनों में बड़ा पक्का? अगर हमने ये गलती कर दी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, बड़े को छोटा बना दिया छोटे को। अब यहां से ये पता करना है कि शालू है और मीना है, 7 वर्ष का अंतर है, तो एक समीकरण तो बनने वाला है x - y = 7। लेकिन x हमेशा बड़े को मानना है। अब सालू बड़ी है कि मीना बड़ी है देखते हैं। यदि मोना, एक्चुअली मीना, ओके, यदि मीना की आयु सालू की आयु की 2/3 हो। अच्छा, कोशिश ये करना है आपको ज्यादातर
कि आप विलोपन विधि से बचें। इसलिए बचें क्योंकि विलोपन विधि में समय ज्यादा और हल करते समय कागज भी आपको ज्यादा लगना है, इसलिए आपको दूसरी चीजें निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, अगर विलोपन से बच सकते हैं, ये रही शालू, ये रही मीना। हाँ या ना? आपने कहा है, अब देखना जरा, आपने कहा है कि मीना की आयु, मीना देखना, मीना की आयु शालू, शालू की दो तिहाई है। मीना की आयु शालू की दो तिहाई है, सही है? कोई डाउट? क्या हम ऐसा कह दें कि मीना बटे शालू, मीना बटे शालू बराबर दो बटे तीन? क्या हम ऐसा कह दें? पक्का? आपको कोई डाउट? तो फिर हमने अनुपात वाला अध्याय पढ़ा है कि अगर a बटे बी बराबर दो बटे तीन, मतलब इन दोनों का अनुपात दो अनुपात तीन है, दो अनुपात तो क्या हम, अगर इससे बचने के लिए क्या हम ऐसा कह दें कि मीना की आयु 2x और शालू की आयु, क्योंकि यहां पर मीना और शालू दो अनुपात तीन अनुपात में मानते हैं x, सही है? अच्छा, दोनों का अंतर 7 वर्ष का है, दोनों का अंतर जाने 3x - 2x बराबर 7, x बराबर 7, 7 * 21, 7 * 14, सालू की आयु 21 वर्ष। कोशिश करना है कि हम विलोपन विधि से बच जाए, सही है? पक्का? अगर आप इससे भी विलोपन विधि से करना चाहते तो हो जाता, कुछ नहीं करना था आपको। मीना बड्डे सालू ये 3, ये 2, ये मीना m मान के चलो x, ये y, फिर ये 3x - 2y बराबर 0। नहीं आ रही बात? पक्का? अभी ढेर सारे सवाल करना है, 250 सवाल तकरीबन करना है। देखें आप, महेश और रमेश की वर्तमान आयु 5 वर्ष का अंतर है, रमेश और महेश की आयु, रमेश की आयु महेश की आयु की 3/4। बस सवाल खत्म। रमेश बटे महेश बराबर 3/4 अनुपात मिल गया। क्या मिल गया? और अनुपात का अध्याय हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो क्या हम रमेश की आयु को 3x मान लें? क्या हम महेश की आयु को 4x मान लें? बस अंतर कितने का? 5। कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक करते रहिएगा। देखें आप, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 24 वर्ष। अगर विलोपन से बचना चाहे तो सबसे अच्छा तरीका मिल गया। लड़का को मान लो x और पिताजी मान लो x - 24, सही है? और नहीं तो अगर विलोपन में जाना चाहो तो फिर आप कह दो कि पिताजी माइनस पुत्र बराबर 24। क्यों? क्योंकि हमने आपको कई बार बताया कि अधिक और कम, इन दोनों की मीनिंग है डिफरेंस। इन एक्चुअली इनका मतलब ही है डिफरेंस। अच्छा, अधिक है 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। अब देखना, अगर आप विलोपन पर जाना चाहें तो एक समीकरण आपको मिल चुका x - y = 24 मिल चुका, और आपने कहा 2 वर्षों में यानी आने वाले 2 वर्षों में, यानी x - 2 y - 2 2 वर्षों में कितनी? 2 बार x - 2 2y। हाँ या ना? x - 2y = 2। ये 2 तरफ चला जाएगा,
फिर वही आ गए एक्स ऋण दो वाई बराबर दो, कौन सी विधि बन गई, विलोपन बन गई, कटेगा कौन एक्स जोड़ने पर या घटाने पर, कब मतलब आपसे बन जाएगा। लेकिन अब हम वो विधि कर रहे हैं जो हमें विलोपन की ओर ना ले जाए, ओके। तो क्या हम ऐसा कह दें कि आपने कहा पिताजी 24 साल अधिक हैं, पिताजी 24 साल अधिक हैं, तो क्या हम बेटा को एक्स मान लें, मान लें, तो क्या हम पिताजी को एक्स धन 24 मान लें। दो साल में एक्स धन 26, एक्स धन दो दुगना, नहीं आ रही बात सुन, सवाल खत्म। एक्स धन 26 दो एक्स धन 4 पक्का, एक्स को इस तरफ ले जाओ, कहां ले जाओ, हाँ या ना, सुजे बचे एक्स 4 इस तरफ ले जाओ 22, नहीं आ रही बात सुने, एक्स बराबर 22, एक्स बराबर 22, पिताजी 24 साल बड़े हैं, धन 24 कर दो, नहीं बनेगा। चलिए क्या पूछा था, लड़के की वर्तमान आयु कितनी आई, 22, पक्का। तो हमने दोनों चीजें आपको सिखाते जा रहे हैं, एक तरफ जहां आपको विलोपन की ओर जाना है, एक वो जहां आपको विलोपन की ओर, हाँ या ना, नहीं तो आप बोलो सर आधी जगह आप विलोपन से करा देते हो, आधी जगह आप विलोपन से नहीं कराते हो, तो हम दोनों चीजें आपको मेंशन कर देते हैं। हाँ, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिताजी 5 वर्ष बड़े हैं, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। देखो, जी रहे पिताजी, जी रही माता और जी रही पुत्री। अब पुत्री से 3 गुनी है माता, पुत्री एक्स, सो 3 गुनी माता, और माता से 5 साल बड़े पिताजी, सो 3x+5 जे जे जे। पुत्री अब 10 वर्ष की है, सवाल ही खत्म, नहीं आ रही बात सुने, हम हल करके एक्स निकाल दे, तुमने पहले ही कह दिया एक्स बराबर 10, नहीं कह दिया, अब सवाल हल करने की जरूरत है, हे 10 30 पक्का खत्म, चलिए करते रहिएगा, चिल्लाइए मत, ओके। अगले सवाल पर आते हैं, प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है, 34 वर्ष प्रकाश बड़ा है लोकेश से, प्रकाश को मानो एक्स, लोकेश को मानो वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 34। 10 वर्ष पूर्व, अब देखो विलोपन कह रही है कि एक्स ऋण वाई बराबर 34, और 10 साल पहले एक्स ऋण 10 वाई ऋण 10 और इनकी आयु का योग रहा होगा, आया ना, सो जो हो गए एक्स धन वाई, जो हो गए ऋण 20, उस तरफ जाके धन 20, सो हो गए 68, कितने हो गए, सो एक्स धन वाई बराबर 68, अब विलोपन बन जाएगा। अब देखो जरा क्या प्रकाश की आयु, तो एक काम करो यहां पर इतने सवाल में देखो वाई कट रहा है, काट दो, 2x बराबर जोड़ो कितने, 102, एक्स बराबर इंक्यावन, एक्स बराबर। लेकिन अगर आपको विलोपन की ओर ना जाना होता, कोई टेंशन नहीं, आप इसको मानते एक्स, तो इसको मानते एक्स धन 34। 10 साल पहले एक्स धन 24 ऋण 10 करते, और ये आ जाता एक्स ऋण 10, इनकी आयु का योग, इनकी आयु को योग 48 रहा होगा। बस इतना बता दीजिए, मेरी बात समझ में आ गई, कितने लोग कहते हैं समझ में आ गई है,
पक्का हम विलोपन की ओर नहीं गए, पक्का हमने यहीं के यहीं टोटल निकाल दिया। ठीक, आगे आगे, दो वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 है। पहली बात तो दो साल पहले 18, लेकिन आज ये भी दो साल बड़ा, ये भी दो साल बड़ा, माने आज हो गया 22। आज कितना? 22। सुन रहे, दो साल पहले दोनों मिल गया 18, तो आज ये भी बड़ा हो गया और ये भी 22। जबकि तीन वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर, हाँ या ना? Yes, पक्का? Yes, अच्छा, अंतर यूनिवर्सल होता है। Yes, आज यदि तुम और भाई में, तुम हो और तुम्हारा भाई है, 2 साल का अंतर है, 1 साल बाद भी 2 साल का अंतर रहेगा, और 5 साल बाद जाओ 2 साल का अंतर रहेगा, और 10 साल बाद चले जाओ, हाँ या ना? ये अंतर कभी नहीं बदलता। यानी अगर आज तुम 22 के हो दोनों जन, तो एक एक्स और बड़े भाई हो गए एक्स धन 2। 2 साल का अंतर है ना? 2 साल, 2 साल का अंतर कभी भी, चाहे 3 साल बाद चाहे 5 साल बाद, तो अंतर हमेशा यूनिवर्सल है। एक्स बड़े भाई एक्स धन 2, और दोनों मिला के 22 साल। सो एक 10 साल का, एक 12 साल का। नहीं आ रही बात? सुन, पक्का? आगे, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 65 है। अब फिर वही बात, विलोपन में जाना हो सो एक्स धन वाई बराबर 65। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। नहीं आ रही बात? सुन, मान लो राम बड़ा है, राम बड़ा है, सो एक्स धन वाई बराबर 65, और 10 साल पहले अंतर, 10 साल पहले एक्स ऋण 10 वाई ऋण 10, देखो जरा, एक्स ऋण 10 वाई ऋण 10, लेकिन ये गलती मत कर देना कि मात्र यहां निशान लगा दो। क्यों? क्योंकि अगर यहां ऋण आया तो ये संख्या कोष्टक में जाएगी। काय में जाएगी? अरे क्लियर है? और इन दोनों का अंतर कितना है? 5। एक्स ऋण 10 ऋण वाई धन 10, जो ऋण 10 धन 10 कट गए, एक्स ऋण वाई बराबर 5। अब देखो इससे क्या शिक्षा मिली हमें। अभी पिछले सवाल में कहा था हमने, तुमने कहा 10 साल पहले अंतर 5 का था, हमने कहा आज भी अंतर 5 साल। देखो आप, पिछले सवाल में नहीं कहा था, लेकिन हमने हल करके इसलिए बताया कि ताकि तुम्हें, अभी हम कह रहे थे देखो चाहे तुम 10 साल बाद करो तो तुम भ्रमित हो जाते कि सर अब तो जैसा लिखा वैसा करके दिखाओ, सो जैसा लिखा हमने वैसा करके दिखा दिया। तो एक बार आपने कह दिया कि एक्स धन वाई बराबर 65 और एक्स ऋण वाई बराबर 5, जे कट गए, जे 2x बराबर 70, x बराबर 35। जब x बराबर 35 सो यहां पर दूसरा आएगा 30। नहीं आ रही बात? सुन, कोई डाउट? ईमानदारी बताइए, कोई डाउट है? अरे क्लियर है? ठीक है, देखें आप, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से 3 साल अधिक है। देखना आप, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। अब देखो जरा इसको, ज्यादातर अब हमें लग रहा है कि हमें विलोपन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब सवाल ज्यादा घुमा फिराव करने लगे तो एक आप सेंटेंस से आप एक समीकरण निकालो और दूसरे सेंटेंस से दूसरा समीकरण निकालो। अब देखना जरा, पढ़े अपन, खिचके बैठो आप। आपने कहा पिता और पुत्र, क्या कहा आपने? हम केवल समीकरण बनवाएंगे,
इसके बाद का काम आपका है। yes, sir. सही है? Yes, sir. अरे क्लियर है? Yes, पिताजी हमेशा एक्स के, क्योंकि जो बड़ा हो वो हमेशा एक्स, इसलिए एक्स, क्योंकि हम एक्स में से वाई घटाएं तो कभी नेगेटिव ना आए। yes, सुन रहे हो? yes, इसलिए हम हमेशा मानते हैं एक्स, एक्स पुत्र हो गए वाई। समीकरण पहला, पहली शर्त कह रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु, जी पिताजी, अपने पुत्र की आयु की तीन गुनी से जितना आए उसमें भी तीन अधिक। खत्म। नहीं आ रही बात सुने? पुत्र की आयु की तीन गुनी से तीन अधिक। सही है? पक्का? तो क्या हम ऐसा कह दें कि एक्स ऋण तीन वाई बराबर तीन? समीकरण एक। अगला, तीन वर्ष बाद पिताजी, तीन साल बाद बेटा, कोई बात? तीन साल बाद पिताजी, तीन साल बाद बेटा, तीन वर्ष के पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने, पहले करो दुगना, दुगने से भी दस ज्यादा होगी। नहीं आ रही बात सुन? पुत्र की आयु के दुगने, पुत्र की आयु के दुगने से भी दस ज्यादा। देखो आप, एक्स धन तीन, दो वाई धन छह, और फिर ये धन दस। फाइनली इसको क्या हम 16 लिख दें? तो ये प्रश्न तो नहीं, तो हम प्लस कर दे रहे हैं 16, तो क्या हम एक्स ऋण दो वाई बराबर ऋण तीन यानी 13 कर दें? तो एक्स ऋण दो वाई बराबर 13, और ये आ गया समीकरण दो। बताइए क्या हमने कुछ नहीं अलग से किया? हमने समीकरण एक और समीकरण दो निकाला के नहीं निकाला? अच्छा, अब कट कौन सकता है बोलो यार? जोड़ने पर या घटाने पर? घटाने पर। देखिए ऋण धन, पक्का? ऋण के भाई, क्योंकि तीन भाई दो भाई, ये ऋण का ऋण आएगा बराबर ऋण के दस। दस इस तरफ लिया, वाई उस तरफ लिया, वाई बराबर दस, वाई बराबर वाई, माना हमने बेटे को। ओके, अब समीकरण में मान रख दो, पहले समीकरण में अगर हम यहां वाई बराबर दस रख दें तो ऋण के तीस, ऋण के तीस उस तरफ वैसे हो गए धन के तीस, माने पिताजी 33 के, पिताजी कितने के? तो पिताजी की आयु 33 साल। इस सवाल को आप अपनी कॉपी में जैसा लिखा है आप हमारा सवाल छोड़ करके एक बार आप जमा के देखो कि आखिर सर ने कैसा बताया है। जल्दी, आपके पास मात्र 30 से 40 सेकंड का समय है, बस।
चलो ईमानदारी बताना, जमा पाए आप सवाल या नहीं जमा पाए? जमा पाए हो? समझ में आया है कि आखिर क्या करना था? पक्का? चलिए अब सवाल आप ही को करना है। देखें स्क्रीन पर देख के करना है सवाल। देखें अगला सवाल क्या कह रहा है, मां तथा बेटी की वर्तमान आयु का योग 54 है तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 है। सवाल सड़ा हो गया यार। एक्स धन वाई बराबर 54, एक्स ऋण वाई बराबर 30। मां तथा बेटी की आयु का 8 वर्षों बाद अनुपात नहीं बनेगा। ये सबसे सड़ा सवाल है, करके दिखाएं। एक्स धन वाई बराबर 54 और एक्स ऋण वाई बराबर 30। कहो मैडम, ये सवाल कर लिया हमने, बोला नहीं था पर क्यों कर लिया? कितना? 5:2 है ही नहीं ऑप्शन में, लास्ट में, सॉरी हाँ 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी। 10 वर्ष में, देखो बेटा अब थोड़ा सवाल क्रिटिकल हो गया थोड़ा सा। 10 वर्ष में अब देखो बेटा, हम हमारा और आपका उदाहरण लेते हैं। सब स्टूडेंट मन में सोचे हमारी और आपकी चर्चा हो रही है। हम आपसे कहें कि मेरी उम्र 10 वर्ष में, यानी आने वाले 10 वर्ष, जब वर्ड लगाते हैं 10 वर्ष में, मतलब आने वाले 10 वर्ष, यानी हमारी उम्र का धन 10। 10 साल पहले बी की उम्र से, हम कहें आपकी 10 साल पहले की उम्र से दुगनी होगी। नहीं आ रही वासों में? ये उसी तरीके से है जैसे कोई आदमी आज 30 साल का है, कोई आदमी आज कितने साल का है, और वो आपसे कहता है कि हमारी 10 साल बाद उम्र आपकी 10 साल पहले की उम्र से दुगनी होगी। नहीं आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? बस वही यहां करना है। यहां क्या करना है, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले की बी की उम्र से दुगनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, यदि ए बी से 9 साल छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, इससे सवा सवाल तो उनको मिल ही नहीं सकता, ए और बी। हाँ या ना? किसके बेटे एक भी व्यक्ति चोरी से सवाल नहीं करेगा। मैं पहले कह चुका हूं एक अच्छे स्टूडेंट होने का परिचय देना है। जब आपको कोई बात सुनाई जाए तो आप अच्छे से सुनिए, जब आपसे कहा जाए आप सवाल करिए तो आप सवाल करिए। हाँ या ना? आपकी आवाज में बढ़िया तड़क होना चाहिए। ओके अच्छा ये देखें, आपने कहा कि ए बी से 9 साल छोटा है, तो क्या हम बी को एक्स मानकर ए को एक्स ऋण 9 लिख दें? yes, हाँ या ना? yes, कोई डाउट? no, अब आपने कहा 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में एक्स ऋण 9 धन 10। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी। सही? अगर सवाल सही है तो आंसर बिल्कुल राइट आएगा। ये x धन 1 बराबर 2x ऋण 20। पक्का? x उस तरफ ले आओ, b इस तरफ ले आओ, सो ये हो गए 21 और ये हो गया x, यानी ये 21 साल का है। अब 21 में से 9 घटाओ, बोलो कहां वह चली गई? तो ये a कितने साल का है? 12। तो b की वर्तमान उम्र आयु, सुनो, बी की वर्तमान आयु कितने साल? सारे ऑप्शन मिशन कर, मैंने आपसे पहले कहा था कि यदि सवाल सही है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आए।
ओके अगर हमारा सब, देखो जरा फिर से एक बार सुन लो, और यदि हमारी बात सवाल के अकॉर्डिंग सही है तो हम करेक्शन नहीं करेंगे, चाहिए ऑप्शन मैच खाएं कोई या ना खाएं, ठीक। आपने कहा 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी, और आपने कहा अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए छोटा है, सही है, एक्स एक्स नो, आपने कहा 10 साल में, आपने कहा 10 साल पहले की उम्र से दुगनी, हमने कहीं गलती नहीं करी, मतलब हम बिल्कुल सही, हाँ या ना। इसलिए इस सवाल को आप गलत डाल दीजिएगा कि ये सवाल गलत छपा है, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहे। कुछ कहना है, आवाज कहां से आ रही है, नहीं बेटा इनमें से कोई नहीं ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये अलग से ऑप्शन है, ये तो एक प्रकार की चोरी होगी, जी मत कहना हम ऐसे कह रहे हैं। एक्चुअली क्या होना चाहिए कि अगर ये ऑप्शन हमारे मैच करते, क्योंकि हमें पहले ही लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा, क्यों, क्योंकि ए छोटा है और ए से ही कह रहे हैं कि आप दुगना हो, भाषा यही शो कर रही थी कि कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए। चलिए खैर ठीक है, हमने अपना ओपिनियन आपको बता दिया। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच की अंतर का 60 गुना, ओके, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनके बीच की अंतर का 9 गुना हो जाएगा, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो जरा, बहुत सवाल बिल्कुल जैसा वो कहेंगे हम तो वैसा करेंगे। हमने दो लोग मान लिए, एक का नाम ए, एक का नाम बी, कोई आपको डाउट, कोई डाउट, हमने कहा एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, सही। वर्तमान आयु का योग इसको एक्स मान लो, ठीक, जिसको एक्स माना वही बड़ा होता है। चलो इनकी वर्तमान आयु का योग इनके अंतर का 7 गुना है, बात खत्म, अंतर का, अरे क्लियर है, देखो एक्स धन वाई बराबर 7x ऋण 7y, एक्स ऋण 7x, और ये वाई उस तरफ गए सो ऋण के हो गए, सो बराबर, सॉरी ये x है ना, ये x और y दोनों इस तरफ चाहिए ना, तो ये x इस तरफ, सॉरी यार हमने गलती कर दी, ये देखो जरा ये x भी इस तरफ आएगा, सो ये हो गए ऋण के, सो ऋण के हो गए 6x, और ये धन के आ गए, सो कितने हो गए 8y, लिख लो ऋण के 6x धन के 8y बराबर 0। अब आप कह रहे हो 5 वर्ष बाद x धन 5, हाँ या ना, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 5 साल बाद, ओके, 5 साल बाद पहले उनका योग निकालो एक्स धन वाई धन कितने, ठीक है, इनकी आयु का योग, अब निकालो इनका अंतर क्या निकाला, एक्स माइनस वाई, और जो हो गए ऋण के 5, सो कट गए, इनकी आयु के अंतर का 9 गुना होगा। नहीं आ रही बात समझ में, करो अब हल।
करो एक्स और वाई एक तरफ, क्या आठ एक्स, ये मिलमिनाहट वाली आवाज नहीं, आठ एक्स ऋण दस वाई, आठ एक्स ऋण दस वाई बराबर दस हो गए, आठ एक्स और धन दस वाई बराबर दस। चलो कोई नहीं, कट रहे आठ का गुणा यहां, छह का गुणा यहां, करो करो। एक बात और, आपने कहा दोनों में बढ़ेगी आयु, सुनो सुनो सुनो, आपको x की वैल्यू बताना है ना, अब y का गुणा करो, 10 का गुणा ऊपर 8 का गुणा नीचे, इससे क्या होगा y कट जाएगा और x आपके पास बच जाएगा, y कट जाएगा x आपके पास बच जाएगा, ये ऋण दस वाई है नीचे, आपने बोला हमने थोड़ी बोला है, ये ऋण आएगा, ये आगे वाला क्या होता है रे, आठ एक्स ऋण, तो अभी आगे वाला क्या होता, हम तो उसे पूछ रहे क्यों ये ऋण आएगा, आप ही लोगों ने बोला हमने थोड़ी बोला, हेलो क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा वो तुम जानो, सवाल आपको करना है ठीक है, करो नहीं आया, आवाज नहीं आई, कितना आया 20, वहां कह रहा है कोई 20 वर्ष आएगा, कितना सड़ा सवाल था यार, सुनो जरा, हम इस तरफ इस बोर्ड पर निकाल ले रहे हैं, ये जो अंधरे बहरे लूले कनमे ये अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कितना सड़ा सवाल था, लाइन पहली पढ़ो, मैंने कहा लाइन पहली पढ़ो, पढ़ना है ये डंडा उठा के ढोरों जैसे लगाया, अच्छे पढ़ो पहली लाइन, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके बीच के अंतर का, अरे क्लियर है, या मैं जितने बहरे हैं और दिमाग से मूले हैं वो सुने, इनकी वर्तमान आयु का योग इनके अंतर का 7 गुना है, सही है, अरे क्लियर है, तो क्या यहां पर एक्स धन वाई बराबर 7x ऋण 7y कह दें, x भी इस तरफ आ गया y भी इस तरफ आ गया तो क्या ऋण के 6x कह दें, क्या यहां पर धन के 8y कह दें, बराबर 0 कह दें, लिख दे रहे बेचारों में ऋण के 6x धन के 8y बराबर 0। अब आपने कहा कितने साल बाद, गुमे हो मर गए हो जिंदा हो, हाँ जिंदा होने का परिचय देने के सुटा रखा, जब कहूंगा मुर्दे भी जाग जाएंगे, सुन लो हो कितने साल बाद, ओके 5 साल बाद जे रहे एक्स धन 5 और जे रहे वाई धन 5 पक्का, अब उसका कहना यह है कि 5 साल बाद इनका योग
ठीक है? निकाला आपने? कितना आया? ये क्या क्या ये क्या आई क्या लगा लेते हो? ये कोई ढूंढ ला रहे हो क्या? जीव काम नहीं कर रही? बोलो, यहां पाइप रखा करो यार हमारे पास एनी टाइम। अगर कोई लड़का हमें धुन मिलाते नजर आए तो हम भी तो धुन मिलाए। जब तो मजा है धुन तुम्हारी, धुन मिले सुर मेरा तुम्हारा, समझ रहे हो ना? इसे अकेले तुम्हारी भर धुन बजे तो मजा नहीं आएगा, थोड़े भाग भी रहे तो बाकी सुने। फिर देखो तुम शाम का वो चालू हम तो दोबारा फिर बोलो सुर में लेंगे अपने। हाँ, एक से धनवाई, अरे क्लियर है? धन दस, ये पांच साल बाद का आपका योग है। एक से धन वाई धन, हा ना, ये योग अंतर एक्स ऋण पांच और धन पांच, वाई धन पांच, इनका अंतर एक्स धन पांच ऋण वाई ऋण पांच, ये हो गया इनका अंतर। अंतर कितना आ गया? एक्स ना, और अंतर का नौ गुना है। अंतर का अरे क्लियर है? यानी क्या ऐसा लिख दें कि एक्स धन वाई धन दस बराबर नौ एक्स ऋण नौ, या ना? क्या अब यहां पर नौ एक्स ऋण नौ वाई है? ये दस उस तरफ जाएगा, काय का होगा? होगा। तो क्या हम x धन y ऋण नो x धन नो y बराबर ऋण के दस लिख दे? दस उस तरफ, क्योंकि ए बी सी डी इस तरफ, संख्या उस तरफ। तो क्या हम ऐसा लिख दें कि x ऋण नो x ऋण के आठ लिख दें? ऋण के आठ x, क्या हम ऐसा लिख दें धन के दस वाई बराबर ऋण के दस लिख दें? हाँ या ना? क्या दिक्कत थी आपको? ये क्यों गुनगुना रहे थे? धन में धन क्यों मिला रहे थे? बहुत बेकार सुधारा होगा बेटा, हमें नहीं चाहिए स्टूडेंट ज्यादा, सुन लेना इस बात को, बिल्कुल नहीं चाहिए अंदरा बेरा कनवा, अच्छे बढ़िया स्टूडेंट चाहिए, दिमाग के बिल्कुल ताजा। ओके? ये दिमाग के पेडल टाइप नहीं। देखे, समीकरण एक समीकरण दो सही हो? कुछ नहीं करना था, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो y की तुलना कर दो, अगर y की वैल्यू चाहिए तो, अरे क्लियर है? समझ रहे? नहीं आ रही बात समझ में? आपने वैल्यू बराबर करी है? आपने y को वैल्यू बराबर का वैल्यू कैसी चाहिए आपको? बड़े की वैल्यू चाहिए? तो आप छोटे से 10 का गुणा ऊपर 8 का गुणा नीचे, नहीं किया है? कितने लोगों ने किया है? एक बात याद रखना, गिन गिनाने वाले लड़के लड़कियां हमारी क्लास में ना बैठे, सुन रहे हो ना? पढ़ाते समय हम गिनगिनाते हैं, गिनगिनाते हैं, तो आंसर देते समय तुम कैसे गिनगिनाते हो? अगला सवाल, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तीन गुनी हो जाएगी, यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर, सवाल खत्म। देखना जी पिताजी, सवाल बदल गया? देखें,
अगर आप ये देखें कि जे पिताजी जे बड़े पुत्र और जे छोटे पुत्र दोनों में अंतर कितने का है, अपने काम करो जे एक्स सो जी हो गए एक्स धन पंद्रह, बस इतना याद रखो आप। नहीं आ रही वासो में, और अच्छे से अगर विलोपन की ओर ले जाना है कोई टेंशन नहीं, अगर विलोपन की ओर ले जाना है तो आप एक काम करो, पिताजी को मानो x, पुत्र को मानो y, लेकिन दो पुत्र हैं सो y और y धन पंद्रह। नहीं आ रही वासो, 10 साल बाद देखो पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी, बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है x बराबर 2y धन 30, x ऋण 2y बराबर 30, लिख लो x ऋण 2y बराबर 30। कोई दिक्कत? बड़े पुत्र के उम्र की दुगनी है, बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। अरे क्लियर है? आगे देखो, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटी पुत्र की उम्र, अब हमें पिता और छोटी पुत्र, 10 साल बाद पिताजी, 10 साल बाद छोटे बेटा, छोटे पुत्र की उम्र की 3, 3 गुनी है कि नहीं है, x धन 10 3y, आया ना, x ऋण के 3y बराबर 20, पक्का? तो जी हो गए x ऋण 3y बराबर 20। अब जो समीकरण एक जो समीकरण दो कितने लोग कहते हैं बनेगा, करो जल्दी अब भी करो, x की वैल्यू निकालो और y की, पिता की उम्र निकालना है x, पहले x ही निकाल लो, पहले तो x, x कट जाएगा पहले तो, कितना नहीं आएगा, दिया है कितने लोग कहते हैं बनेगा। अब आप बताइए कि कहां अपन गलतियां कर रहे हैं, हमने आपको एक ही ठेठ भाषा सिखाई है, एक भाषा, वो भाषा क्या है कि जैसा पढ़ रहे हो वैसा लिखो। याद रखना, यदि आपने ये कला सीख ली तो चाहे आयु का अध्याय हो, ब्याज का अध्याय हो, परसेंटेज का अध्याय हो, रेलगाड़ी का अध्याय हो, काम और समय का अध्याय हो, यहां तक कि प्रायिकता का अध्याय हमने पुराने बच्चों को पढ़ाया था, जैसा बोला गया है वैसा करना है, जैसा बोला गया है बात खत्म। ओके चलिए एक काम करते हैं। अच्छा एक बात बता दीजिए, देखिए अभी क्या है, लगभग 5:30 बजा है, 5:45 की ओर घड़ी है, लेकिन अंधेरा लगने की ओर है, कई सारे बच्चियों को जाने में दिक्कत, क्या आपकी क्लास 3:30 कर दें, दिक्कत तो नहीं होगी, 4 से 3:30 तो यहां आप छूट जाएंगे, इतने बजे मतलब 5:30। बेटा हमारी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, शायद आपको पता होना चाहिए SSC की 20,000 भर्तियां और परमिट हो गई हैं, यानी 20,000 भर्तियों को और ग्रांटेड कर दी गई हैं, और सबसे बड़ी बात मार्च आते आते जैसे ही आचार संहिता पास में लगेगी और सारी भर्तियां आ जाएंगी, हमें मार्च तक आप सभी लोगों को तैयार करना है। दिक्कत ये कि अगर हम वास्तव में मैथ्स का पीरियड अलग रखेंगे तो हम ऐसे प्रैक्टिकल आपको करा पाएंगे, ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखना जरा कि अगर हमें 3 महीने में 20 अध्याय भी कराना है और 1 महीने 3 दिन में 1 अध्याय की एवरेज आती, 3 दिन नहीं 4 दिन लग गए, तब भी हम 1 महीने में कम से कम 5 लेसन तो करा पाएंगे, और ऐसे में 15 की एवरेज आ गई, आराम से करेंगे तब भी 15 से 20 लेसन कर लेंगे, और एक्चुअली हम वो चीज ले पाएंगे जो एग्जाम में हमें फाइट करना है। अच्छा हम केवल अगर आप ये कहें कि सर जीके और मैथ्स एक ही पीरियड में पढ़ाओ
तो वहां पर एक प्रेशर रहेगा, हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं देखेंगे जरा फिर वही बात, हम वो चीज आपको तैयार नहीं करा पाएंगे जैसे आज अपन ने भले सवाल कम करे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो आया कि मेथड कोई भी हो सवाल हमसे बनेगा, हाँ या ना? और कोई भी सवाल हमने कमजोर हल नहीं किया, जो एग्जाम में सवाल आए हैं हमने उनको कलेक्ट किया है। तो आप कल होमवर्क करके आएंगे, अगर आप कल होमवर्क करके आएंगे तो हम इससे ज्यादा सवाल कर पाएंगे। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ये बताएं आप, अगर आप चाहेंगे चार बजे ही रहने दें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छह बजे अंधेरे तो अंधेरा लगने की उड़ है। तीन बजे तो नहीं यार, क्योंकि बारह बजे तक तो हम क्लास से हम ही जा पाते हैं, ग्यारह बारह ग्यारह बारह। और साढ़े तीन करेंगे तो कितने लोगों को असुविधा हो जाएगी, असुविधा हो जाएगी, असुविधा क्यों? चलो चार ही रहने दो, लड़ो न, चार ही बजे रहने दो, पौने छह तक क्लास लगाएंगे अभी, फिर अपन यही है कि आपको पंद्रह मिनट और लॉस ही होगा। चलिए कुछ दिन चलने देते हैं, चार से पौने छह चलने देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे अपन, ठीक है ना? चलिए निकल जाइए आप लोग। एक मिनट एक मिनट, ये बताइए इसके कितने सवाल रहे हैं अभी इस टाइप के? एक सवाल, बैठ जाओ बैठ जाओ। कौन से नंबर का सवाल है? ये वाला बड़े पुत्र वाला हो गया। चलिए मात्र सुन लीजिए, मात्र सुन लीजिए, छह वर्ष पूर्व महेश की आयु नमन की आयु से अठारह वर्ष अधिक है, छह साल पहले आज मान लो एक्स, आज मान लो वाई, छह साल पहले एक्स ऋण छह वाई ऋण छह और अंतर निकालें तो अठारह, क्योंकि अठारह वर्ष अधिक है, अठारह वर्ष अधिक है। और अधिक और कम के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं या नहीं घटाते हैं? चलिए यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग, अब वर्तमान आयु तो एक्स और वाई है ही, अभी जमा के देख लो जल्दी से कॉपी खोल के, अभी के अभी जमा के देखो, केमिस्ट्री की अपनी बोल गई तो मतलब केमिस्ट्री यार अपना आधा घंटे काम और कर ले ताकि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा यार। नहीं बना अब ये तभी बन जाएगा या नहीं बनेगा? चलिए घर से करके ले आना, इसको जमा के ले आना, क्योंकि आपका मन दिख रहा है कि हमें जल्दी भगा दो सर। चलिए टाइप नंबर, अब टाइप नंबर चार यहां से करेंगे हम कल, और ये बिल्कुल सवाल हुआ टाइप है, अभी बात पर आधारित, यानी इसके सवाल धड़ाकेदार तरीके से कल 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे। ओके हमें तीन दिनों के अंदर ये अध्याय खत्म करना है, आज एक दिन हम मात्र 30 सवाल 29 छत्तीस कितने कर पाए? 25 बस। तो ध्यान रखना आज हमारी एवरेज बहुत कम रही है, कल हमें कवर करना है और परसों कवर करना है, तो काम का टारगेट लेना है, टारगेट मतलब बिल्कुल कंप्लीट करके ही बात खत्म करना है, ठीक? जा सकते आप लोग, कल सुबह 8 बजे हमारी मुलाकात होगी। ये नीचे थोड़ा सा सड़क पर खड़े ना होना, जल्दी जल्दी गाड़ियां निकाल